भाई ये खाने पीने का सौदा, ठीक है जा रहे हैं टूर पे, ठीक है, और जो मिनी फ्रिज है ये भाई जा रहे हैं साथ में अपने, ठीक है, और कहाँ जा रहे हैं ये भी बता दो भाई। अभी नहीं बताते। अच्छा मतलब प्राइस है थोड़ा सा। चलो आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा टूर मजेदार रहने वाला है, फ्रिज हमारे साथ है और खाना पीना हमारे साथ है। तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम निकल रहे हैं एक शानदार सफर पर, पता नहीं कौन से सफर में निकले हुए हैं, चार दोस्त जा रहे हैं, प्लान कुछ और था, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जैसे भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत मस्त जगह जा रहे हैं, जा रहे हैं पहाड़ों में, और वीडियो में पूरा बने रहना, आई एम श्योर आपको हमेशा की तरह बहुत मजा आएगा वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। तो भाई ये जा रहे हैं दोस्त, ठीक है, और एक आ रहा है पीछे। दोस्तों ये उल्टी ट्रेन आ रही है, देख सकते हो इतनी शानदार, ऐसा लग रहा है ट्रेन हमारी तरफ आ रही है, पर ट्रेन चल रही है सड़कों पर, वाह वाह क्या बात है। फाइनली गाइस हम बाला पहुंच चुके हैं और आगे देखते रहना। फेमस अंडे वाला निखिल अंडे खाएगा आज, तू खा लेगा शनिवार आज। भगवान तक माफी मांग के आता सोरी कर। कोल्ड ड्रिंक चीयर्स। पहुंच चुके हैं हिमाचल, आहा पता नहीं कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ ले आए थे हमें हिमाचल के पर्वतों में। कम ऑन गाइस, वीडियोस यस, मोदी का तैयार है, ब्लॉग बना रहा है, ब्लॉग चल रहा है पूरा दबा के। तो आज हमारे पहाड़ों में कहाँ लेके आए भाई, बताओ। आज मैं आपको लेके आया हूँ जाबली। जाबली कहाँ पड़ता है, कहाँ पे है? जाबली पड़ता है हिमाचल स्टेट में नियर सोलन। सोलन के आसपास पड़ता है और माहौल देख सकते हो भाई, तुम्हें बता दो प्रेशर मोड की तरह, ये सोच रहा वीडियो बन रही है, बता दो कुछ कैसा लग रहा है मुझे। भाई बहुत बढ़िया फीलिंग है यार, आओ फैमिली के साथ, आओ फैमिली के साथ बैठने की जगह, नेचुरल प्लेस है बिल्कुल, साथ में पानी है, पेड़ है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा जान बैठे ना भाई सर, फूल लगे हुए बढ़िया माहौल है, ये फैमिली साथ मजा आ जाएगा। जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है बहुत अच्छा दृश्य है, दिन में और अच्छी तरह दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हम आसपास होटल लेने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों आगे वीडियो बने रहना, अभी खाना पीना आ रहा है, ठीक है, जो हमारा दोस्त है। भैया सामने पानी बह रहा है, दिखेगा नहीं तुम्हें, अगर दिन में होता ना जबरदस्त व्यू आता, आप तो सिर्फ फीलिंग ले सकते हो। और ये देखो भाई साहब, जब भाई पानी की आवाज़ सुनो और फीलिंग लो, और बहुत अच्छा मतलब माहौल है यहाँ पे, सो व्यू देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, नाइट व्यू अभी पहुँचे हम, ठीक है, और ये थोड़ा सोलन से पहले बढ़ता है, तो देख सकते हो नीचे पानी बह रहा है भाई, अगर मैं पानी दिखाऊँ ना फ्लैश ऑन करके, ये देखो सुपर भाई पानी बह रहा है यहाँ पे बढ़िया मस्त। पूरी वीडियो देखना क्योंकि दिन में भी हम यहाँ पे आने वाले हैं और आपको व्यू दिखाऊंगा, इतने शानदार दिन में व्यू आने वाला है। ये रात के रात को 9 बजे पहुंचे हैं, पता नहीं कहाँ पहाड़ों में, भाई मजा आ रहा है, जहाँ पे भी लेके आ रहे हैं तुम, यहाँ का भाई क्या जबरदस्त व्यू है ना, जबरदस्त व्यू है, यहाँ नीचे पानी बह रहा है और बढ़िया मतलब, यहाँ बैठ के आप लंच वंच करो बढ़िया,
लंच किया, स्टैंड को डिनर का काम हो रहा होगा। डिनर करो मस्त, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आओ, बीवी के साथ आओ, अकेले आओ तो और भी मजा है। लोग फैमिली ट्रिप के लिए बहुत बढ़िया जगह, प्लेस के लिए बहुत बढ़िया यार, मस्त है। तो थैंक यू फॉर निखिल जो लेके आए यहाँ पे अच्छी जगह, थैंक यू फॉर माहौल चेंज करने के लिए। चलो चलते हैं आगे। अरे कुछ ऑर्डर भी किया तुमने क्या, वैसे ही बैठे हो हैं? अच्छा भैया, ग्रोसरी है कुछ, मतलब गिफ्ट विफ्ट के आइटम है? ऑर्डर पूछ ले। बताओ जी। सो गाइस, ये मेरा फ्रेंड है और इसका है स्टोर यहाँ पे, बढ़िया। और बताओ क्या क्या आप सेल करते हो, कैसे कहाँ पे पड़ता है ये? अपना सोए ग्रीन जाबली पड़ता है, शिमला हाईवे पे पड़ता है ये। आपका हिमाचल का एक लोकल नेकटी यहाँ पे मिलेगा आपको। ओके, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि नीचे फूड कोर्ट होगा, फूड कोर्ट स्टे के लिए आपके होटल भी है यहाँ पे। अच्छा। और मैं जिस चीज़ में डील करता हूँ वो मेरे पास सनग्लासेस, मोबाइल एक्सेसरीज और ग्लास, हाथ चार्जर, ली डाटा केबल्स ये अवेलेबल होंगे मेरे पास। गाइस अपने स्टोर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओ और परचेज करो, जो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप चैनल देख के सब्सक्राइब करके आओगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। एसेसरी, मोबाइल एसेसरी, कवर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको, गिफ्ट आइटम्स मिल जाएंगे, ग्लासेस मिल जाएंगे, तो अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आप लेना चाहते हो। सो आओ, मोस्ट वेलकम एंड एंजॉय करो। यहाँ पे होटल भी है, मैगजीन भी, सब कुछ है और व्यू भी बहुत शानदार है। छोटू पानी ये क्या था? तो वो भी आया खाली हो छोटू, पानी ले गया, पतला ले गया पूरा, बस मैं अलग अलग। दोस्तों आ चुकी है कॉफ़ी, और जो ले रहे फोटोज कॉफ़ी की। हाँ बोलो बोलो, दो गालियाँ। अपना आशीष जहाँ हमारे था उसमें वो घटना घटी थी। ओके, और ये हमारा पूरा वो है सरप्राइज देने वाला एरिया, सरप्राइज देने वाला एरिया। इसमें घटकी थी घटना, वो इसमें गाइस रात के हो चुके हैं 11 और हमने ले लिया रूम बढ़िया सा अच्छे होटल में। आपको होटल दिखाता हूँ सामने, शानदार होटल है और रूम बहुत ज़्यादा शानदार है। तो बने रहना वीडियो में काफ़ी, मतलब अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना मुझे बता देना, अगर किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जहाँ पे हम हैं हिमाचल में, सोलन से पहले है। तो अगर ज़्यादा ऊपर जाते हो तो आपको ज़्यादा महंगा भी पड़ता है, और यहाँ पे रुकते हो तो माहौल भी काफ़ी अच्छा है और मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे, मतलब शांत सा इलाका है।
और रूम लो, बढ़िया इंजॉय करो यार दोस्त, आओ मज़ा भी आएगा। अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ और लोकेशन दिखाता हूँ, रूम दिखाता हूँ और आसपास के रूम का व्यू दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। बंद कर ले। कर ली। सो गाइस चलते हैं होटल के अंदर, आपको दिखाते हैं रूम टूर देते हैं, थोड़ा सा होटल दिखाते हैं। ये अपना थोड़ा शानदार होटल था, बढ़िया होटल। फीलिंग नाइस, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। 202 है। जित तो ही नहीं आने का। फंस गए भाई हम तो इसमें। ये देखिए गाइस, अल्टीमेट व्यू, वाओ सुपर। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? रूम दिखाते हैं, रूम अरे आपको दिखा रहे हैं, रूम बढ़िया शानदार। ये देखिए सर, और ये हमारे रूम कुछ इस तरह के, इसमें तो भाई दो रूम है ठीक है, और एक रूम में दिखा देता हूँ तुम्हें ना। आ जाओ रूम दिखा देता हूँ भाई, एक ये रूम है ठीक है, और एक ये रूम है प्रॉपर बढ़िया। तो ये दो रूम है तो इस हिसाब से पैसे सही है भाई। निखिल यहाँ तू वहाँ कह रहा था ना, 8,000 रुपये बहुत सही है। 8,000 आ जाओ ऊपर। ये है भाई हमारा होटल आज का। इस साइड हमारा रूम है और रूम से बाहर निकलते आपको सीन दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया वाला। और ये है बैठने का सिटिंग प्लेस, और जो शानदार व्यू है ना भाई, जबरदस्त। यहाँ पे बैठ के हम खाना वाना खाने वाले हैं सही में। ढंका तो लगा यार गाना। हाँ ढंका गाना लगाओ। ये रूम से थोड़ा व्यू है और ये पूरा प्रॉपर हाईवे जा रहा है ठीक है। और ये हाईवे में शिमला जा रहा होगा प्रॉपर ऊपर। हाँ भाई शिमला वाला हाईवे है प्रॉपर ऊपर ठीक है, और बिल्कुल रोड के नियर हमें। तो दोस्तों ये होने वाले हमारे रात का खाना। ओहो खाना और पीना सबसे बढ़िया चीज है भाई। मैं तो मुंह नहीं लगा रहा दूंगा पहले। ओहो क्या कह रहा है तू, दोबारा बोल निखिल, दोबारा बोल, दोबारा बोल। मैं कह रहा जो भाई हम में से मैं बता रहा हूँ, कोई चिकन नहीं खाता, कोई दारू नहीं पी रहा है, ये सिर्फ फन हो रहा है ठीक है, और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और सिर्फ वेजिटेरियन खाना है भाई। ये पटाखे वाला हुक्का आया मुझे भाई। दिवाली वाला हुक्का, ये जश्न मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, जश्न हो जश्न हो भाई। ये सिर्फ शौक के लिए हुक्का है, कोई नशा नहीं है इसमें, फ्लेवर हुक्का है। मैं दे दे यार तेरे पे तेरे। You guys have fun. Yo yo. ये जहाँ भी हम बैठ के खा रहे हैं ना यार, उसके बिल्कुल सामने आप शानदार व्यू देख सकते हो, और मतलब टेरेस पे, ये बिल्कुल टेरेस पे इन द सेंस रूम के बाहर जब हम खाना बैठ के खा रहे हैं उसके बिल्कुल सामने है। और व्यू देखो, लाइटिंग देखो, इतनी जबरदस्त है यार व्यू। अच्छा ना अपने होटल का वैसे। ये हमारे के साथ के ऊपर के। Thank you.
रात के बज रहे हैं अभी, दो बज गए, डेढ़ बज गया, अभी सोए नहीं, मजा आ रहा है सह लेंगे थोड़ा सा। तीन हो रहे जे ना सुन दे रहे भाई हमें, ठीक है जे कह रहे रोटी खाने जाएंगे 3:30 बजे, जे रोटी खाने ले जा रहे भाई, कोई तू क्या 3:30 बजे रोटी खाने का, दो घंटे बाद आलू के परोठे खा लेते, 3:30 बजे रोटी खाने जाएंगे भाई, कोई तुक नहीं इस चीज का, बस रे भाई 3:30 बजे रोड पे घूम रहे हैं। 3:30 बजे कहाँ ले आए तुम ये बताओ अभी ना मुझे ढाबा दिख रहा है आसपास, ना कुछ दिख रहा, शहनशाह से मिलाने लाया, नहीं वो तो ठीक है, किसको भूख लग रही थी रात को, वो जो वो आगे जा रहे हैं क्या यार कुछ भी, मतलब 3:30 बजे घर वाले देखेंगे ना वीडियो, कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया, सुना था 3:30 बजे ढाबा तो मिला कुछ, किससे खुरकती खाना खाएगा वो, हाँ भाई 3:30 बजे रोटी खाने वाले बताओ, शाबाश बेटा। खाना खा के आ चुके रात को 4 बजे, अभी हम सोएंगे फिर सुबह निकलेंगे, तो मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग वाले ब्लॉग में। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, एंड नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और रात आप व्यू नहीं देख पाए, अभी मैं व्यू दिखाता हूँ, कितना शानदार व्यू है हमारे होटल से, तो व्यू देखना अभी कितना मज़ा आएगा व्यू देखने में, और व्यू देखो आप। सो ये हमारे होटल का कुछ व्यू है, गुड मॉर्निंग का टाइम है, और देख सकते हो रात भी सोए नहीं हम, ये हमारा दिन में होटल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है मस्त सी शानदार लोकेशन है, ये मेन हाईवे है, और दिन की शुरुआत करते हैं, शुरुआत हो चुकी है नए दिन के साथ, और आपको ले चलते हैं नए सफ़र की तरफ, अभी नहाते धोते नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं, और आगे वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों आज हम पता नहीं कहाँ जाएंगे भाई, गंगेश्वर महादेव, गंगेश्वर महादेव जाएंगे, मंदिर टेम्पल है, अच्छी जगह पर स्थित है, और आपको वहाँ की लोकेशन दिखाऊंगा, एक नंबर लोकेशन है और शानदार है, मज़ा आ जाएगा आपको देखते हुए, तो वीडियो में बने रहना, और ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं हम भी, फ्रेश फ्रेश होते हैं और चलते हैं लेके आपको फिर महादेव के मंदिर। थोड़ा सा मैं सामने का व्यू भी दिखा देता हूँ, रात को आपने एंजॉय नहीं किया होगा व्यू, ये सामने का व्यू है, मतलब रूम के पास ही है, सामने का बैठने का अच्छा है, जो रात को लाइटें वाइटें लगी हुई थी ना यहाँ पे लगी हुई थी इस पोर्शन में सारे में, तो काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो अपना एंजॉय कर सकते हो, और सामने से मैं उधर से आया हूँ, होटल काफ़ी मस्त है यार। अभी भाई उनको उठाता हूँ, वो सो रहे हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, वैसे 9 बज रहे हैं अभी वो सो रहे हैं, लेकिन भाई उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, यू आर ऑन द ब्लॉग, लाइट चला दूं अभी, नहीं भाई ये सो ही रहे, 9 बज गए अभी, उसको देखता हूँ दूसरे को, 9 बज गए सीरियसली, ये तू हेलो गुड मॉर्निंग, मेरे साले सोए 6 बजे, तुम उठ कहाँ से जाओगे अभी। भाई ये रात आया था यहाँ पर, ये डर गया, अब डरा क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ, भाई क्यों डरा था बताइए, चल चल चल, इसने अपने आप को सामने देख लिया, ये देखो एकदम तुम्हें दिखेगा भाई यही खड़ा है मतलब शीशा लग ही रहा है, पूरा दरवाजा लग रहा है ना, बिल्कुल दरवाजा का फ्रेम पूरा, मतलब तू ऐसे खड़ा है, हाँ हाँ प्रॉपर ऐसे लग रहा है, कुछ भी मेरी अभी ऐसी तैसी हो गई थी, मैंने कहा ये कौन है, एकदम ब्लैक कलर लग रहा है। तैयार हो चुके हैं जाने के लिए अगली डेस्टिनेशन पर, कहाँ गए वे देखते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे आपको दिखाते हैं कहाँ जाएंगे। सो दोस्तों लोंडे तैयार हो चुके हैं, बढ़िया सेक्सी बनते हैं, ठीक है बताओ कौन कौन कैसा बढ़िया लग रहा है, कमेंट करके आपस में कर देना कमेंट, ठीक है मैं अच्छा लग रहा हूँ। सो भाई निकलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से,
एक बंदा नहा रहा है। जीतू आ गया ऊपर बैठने गया भाई, देखते हैं हम निकलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अभी फोटो शूट चल रहा है इनका, देखते हैं कहाँ जाते हैं। और ये थोड़ा गार्डन एरिया आपको दिखा चुका हूँ, ऊपर चलते हैं, ऊपर भी है कुछ सीन यार। अभी दिखाते हैं आपको ऊपर चढ़ के ये, और आनंद में मौसम है और कुछ कुर्सियाँ काफ़ी अच्छा है यहाँ से। अगर यहाँ से मैं बैक कैमरे से व्यू दिखाऊँ तो मैं मज़ा आएगा, दिखाता हूँ रुको। फोटो शूट और ये सामने से व्यू, क्लाउड और वेदर अल्टीमेट। मौसम तो खैर ठीक ठाक ही है, व्यू अच्छा है, बट फाइनली निकलने की तैयारी है यहाँ से, होटल का चेकआउट करते हैं, फिर देखते हैं आपको आगे जर्नी दिखाएंगे। बहुत शानदार सी जर्नी होने वाली। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं, बहुत स्पेशल मंदिर जा रहे हैं। और काफी मतलब वादियां वूदियां सी बड़ी है ना वहाँ पे पीछे, मतलब आप गए हो पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, हम भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। सो मिलते हैं आगे आपको वीडियो में, बने रहना। तो भाई दिन का व्यू देख लो, कुछ ऐसा है। और आपको दिखाता हूँ वहाँ जाकर जहाँ हम रात गए थे, पानी था, झरना था, जहाँ मैंने प्रॉमिस किया था आपको मॉर्निंग में व्यू दिखाऊंगा। ये वो जगह है जो रात को आपको दिखा नहीं पाए, जो मतलब रात को हम आए थे यहाँ पे। और आप झरना देखो, माहौल देखो, यहाँ पे सुपर व्यू है, पानी झरना बह रहा है, मस्त सुपर यार। थोड़ा आगे चल के और दिखा, भाई देख रहे हो भगवान का दिया गिफ्ट नेचर गिफ्ट हो गया। मैं इस पानी की आवाज को फील करो, नेचर को फील करो, कितनी अच्छी आवाज है। मैं सिर्फ उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगा रहा कुछ। इसको लंबी कर, हाँ लंबी कर ले, और छोटा मोड़ा कर दे, बस यही है। हाँ इसको पुश कर दे, पहले पुश कर दे, पुश। भाई व्यू देखो, व्यू गजब है यहाँ से। यहाँ बैठ के खाना खाना और व्यू एंजॉय करना, भाई जरूर नया शिमला मनाली जाओ, ऐसे लोकेशन पे आओ, मुझे पता नहीं है, जबरदस्त। गाइस अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, आप सुना है यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो अभी हमने जो डेली रूटीन है अपना, वही आलू पराठा, मिक्स वेज पराठा, अभी यही ऑर्डर करा, बाकी देखते हैं जैसे जैसे। तो दोस्तों हम रुके हुए खाना खाने के लिए, ऐसे बोलते खुल के, ठीक है। तो अभी क्या मंगाए, आलू प्याज के पराठे मंगाए गए हैं, ठीक है। बढ़िया बोल रहा था मैं, तो चले राम राम से बोल रहा। अच्छा भाई, एक दस तक खुशती हो तो मैं भी ले लूँगा। कौन सी तो भाई पूरा बोला करने करे इधर, चल ठीक है भाई। कहाँ चले गए तुम? अरे बाइक बड़ी बढ़िया डॉक्टर की है। कौन सी? क्लासिक बुलेट तेरे दे दूँगा, बोल लेट मिल जाए। दोस्तों आलू के परोठे आ चुके हैं, शानदार अल्टीमेट। बोला ओए होए होए होए, खाने में कैसे भाई? बढ़िया
अभी तो खान दे गया थे। पनीर भी है सर, इसमें पनीर भी है। वाओ इतना तो यार निकल टेस्ट करके बता। चम्मच है, फीडबैक दे अपना, फीडबैक परोठों के लिए सही से बताइए, और अच्छा बुरा जो लगे। ओके ओके है, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं, ज़्यादा बुरे भी नहीं, खा सकते हैं मतलब। ठीक है ठीक है भाई, सुन लिया तुमने, अब मैं भी खाता हूँ। बोले बोले डॉक्टर कौन बोला था रात को? राहुल मिला। तो दोस्तों खाना खाते खाते 12 बज गए और मौसम हो गया बादल बारिश वाला। ओहो फ्रेश बनाते हैं ना साथ ही साथ मसाला ही फ्रेश बनाते हो जवाब है भाई। मीठा एक टाइम के लिए तो भाई सबसे बराबर ही होता है। टाइम ले क्या हो गया कम है अब ब्रेकफास्ट का टाइम रह रहा है तो बिना चेक के दूध पीता है। पत्ती भी नहीं है इसमें तो, ये है? ये क्वार्टर वाले की है। ठीक है ठीक है, है? तो चार इसको आदत पड़ गई थी, तू यहाँ चाय की ना मैं चाय। ठीक है तू खाना वाला तो वहीं खा के आता हो रूम से। कौन क्वार्टर वाला दूध? ठीक है रूम से मैं खाता हूँ खाली हेल्दी हाफ फ्राई। अच्छा अंडे की ट्रे पड़ी है बस, 5 अंडे की खाओ 6 की खाओ 10 की खाओ। तो नहीं यार अपना है रूम में दोनों भाइयों के बीच में कुछ तो होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये ज्यादा नहीं आ गए ऐसे स्माइल पास करने से तेरे पैसे नहीं कम करेगा वो। कैसे चार बोल रहे थे, कितना बोलेगा तू? 5 पेट भर के खाओ। तुमने कहा ब्रेकफास्ट नहीं करना, ब्रेकफास्ट नहीं करना, ब्रेकफास्ट तो करना है। सॉरी लंच ब्रेक बाद में ही सो रहा है तो चाय खा ले। दही यार तू चाय और गिल्ले खा लेगी चाय के तो ऐसे की दही भी चलेगा। हम तो नजर खाली जान के देने को हो गया भाई। तेरे पीछे तारीफ कर रहे हैं, मैंने पूछ रहे बंदों की तो वो कर रहे वीडियो में आ रहा है बोल दो। वीडियो में भी आ रहे हैं ब्लॉग करके कौन गया उसमें रियलिटी बोलिया भाई जी। तुम तारीफ कर रहे हो भाई तेरी, बाकी कई बार ये मानता भी नहीं रहा। तारीफ फोन करके बोलते हैं ना भाई, बोलते हैं पर तुमने बोलती बंद कर दी। सच्ची बात है तंग हो जाता है बंदा यार। तुझे हैबिट है काम मचा रखा तुमने। ये शॉप है हमारे फ्रेंड की, ठीक है। इफ यू ऑल नीड टू गिफ्ट आइटम्स टू आयस एंड कृष्णा, एक्सेसरी मोबाइल कवर्स तो भाई इस खूबसूरत लोकेशन को छोड़ने का टाइम आ चुका है। अब निकल रहे हैं मंदिर की तरफ, वो भी बहुत शानदार होने वाला है। मैं कब से कह रहा हूँ मंदिर दिखाऊंगा मंदिर दिखाऊंगा, एक तो यहीं बच गया हूँ है ना। तो लंच ब्रेकफास्ट हमने इकट्ठा कर लिया है, अब आपको दिखाऊंगा आगे का सीन। बढ़िया पहाड़ वहाड़ मंदिर मौसम जबरदस्त, क्या कह रहे भाई?
की जय। भोले बाबा से मिलने जा रहे भाई साहब। मैं पिछली बार आया था ना, मेरे को सांप के दर्शन हुए थे पहुंचने से पहले। चलो इस बार नंदी महाराज के हो गए। सो गाइस सिंगल रोड है और ये आप देख सकते हो, मतलब सिंगल रोड है और आसपास साइड में देखो मतलब पूरा मिट्टी विट्टी भी है, पहाड़ियाँ भी हैं और रोड काफ़ी डेंजरस भी है और मतलब अगर बारिश वारिश में हो तो काफ़ी संभल के ड्राइव करनी पड़ती है, लेकिन व्यू काफ़ी अमेजिंग है और रोड है तुम और हाइट पे रोड है सीधा ऊपर की तरफ ना मंदिर की तरफ, बिल्कुल हाइट पे मंदिर है और रोड आप देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। भोले बाबा कह देंदा सो बज कर चपला है। अभी देखेंगे भाई बादल, सारे बादल देखेंगे। सही बात हो ना, भोले बाबा की जहाँ जहाँ सिस्टम है ना बरसात में उतरते तो यहाँ स्टेशन हो जाएगी। चित्र दिखता होगा भाई महाभारत के लिए, यहीं से तो महाभारत का युद्ध देखा हुआ, यहाँ से लिखा हुआ है पूरा इतिहास है। अच्छा छत्ती छील मारे अटैक बटन ना होगा भाई, तो छत्ती की 8 मिनट थे उसको नीचे उतार देगा साइड में। वो उतार सकता ना, मैं उतार सकता, वो तो उतार सकता लेकिन ने तो उतार दे, तो उतार अब तो चढ़ानी पड़ेगी। हॉर्न बजाते आना चाहिए, कट कुट आना। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिव मंदिर। इतने तकड़ा हैवी रास्ता सफ़र करने के बाद, क्योंकि जो रास्ता आपने देख ही लिया होगा और जय भोले बाबा की दे सकते हो, दर्शन कर सकते हो शिव मंदिर के आप घर बैठे हुए, और बहुत हाइट पे यार मंदिर है और मज़ा भी आया रास्ता आपने देखा होगा। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो जय भोले बाबा की, हर हर महादेव। आप अंदर जाके भी आप दर्शन करोगे, देखोगे मंदिर, आपको दिखाऊंगा मैं अभी। काफ़ी हाइट पे मंदिर यार, बहुत ज़्यादा हाइट पे है और रास्ता आपने देखा होगा कितनी हाइट से आए हम, नीचे से आए हैं ऊपर। हर हर महादेव। भाई पूरी नीचे खाई है, बिल्कुल खाई है, ये मंदिर के बिल्कुल साथ में ही है, मतलब प्रॉपर खाई है नीचे। और ये सिर्फ एक नीचे का व्यू देखो, आप कुछ दिख रहा है साफ धुंधला धुंधला बादल है ऊपर हमारे, और बादल के बीच में से इतनी शानदार लोकेशन व्यू और ऊपर से मंदिर, भोले बाबा का मंदिर, और इतनी पास लोकेशन है, मतलब पहाड़ों में ज़्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। लोकेशन देखो और यार फील लो इस चीज़ का, देखो यार इतनी मस्त मतलब हवा चल रही है, और अब देखो यार आसपास सुपर यार। सो गाइस मंदिर जाके आ चुके हैं और अभी हम बैठे हैं एक ऐसी लोकेशन पे, ये हमारे फ्रेंड ने एक ने खोला है यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला है, छोटा सा कैफे खोला है जहाँ पिज़्ज़ा वगैरह आप इंजॉय कर सकते हो और व्यू देखो, खाओ और व्यू इंजॉय करो। तो उसने इनवाइट किया तो तुम यहाँ पे आए हैं, उसने नए ओपन किया है, ठीक है। अगर इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, और अभी हम खाना वाना खाते हैं यहाँ पे और व्यू एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करो हमारे साथ। मैं उधर आऊंगा भाई ब्लॉगर के पास, मैं तुम्हारे पास क्यों बैठा हूँ, नकली बंदा बैठ जा यार, यार बैठ है इसके मुंह पे मत, खाना मजा लेने दे, पेंटिंग है हमारे फ्रेंड की मम्मी है, उसकी मम्मी हमारी मम्मी है, ये अच्छा बंदा है, ये डिफॉल्टर लड़के हैं यार, पैर सब में छोड़।
फिर देखिए ब्लॉग चला टू टू करना पड़ेगा कितनी बार एक वाली करो दिखा दे अपने वाली तुम ना सुधरना है एक और आधा डायलॉग मार लो अरे खा लो ना दोनों चाइनीज है सारे मैं भी चाइनीज था तो दोस्तों पहाड़ों में आए और मैगी ने खाई आपने वो भी इतने आलीशान व्यू के साथ ठीक है तो जिंदगी झंडे तो ये प्रॉपर व्यू एंजॉय करते हुए भाई मेरी बना लेने वीडियो तुम निकल कैसा लग रहा है फिलहाल थकावट नींद बहुत ज़्यादा है व्यू गया क्या कहते तेल लेने लेकिन थकावट ज़्यादा हो रही है व्यू का आनंद आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं अभी तो फोटो ले रहा है प्रॉपर ये स्नैपचैट डालेगा देखिए ये ठंडी हो जाएगी आप तो खा कर अंदर चाय पी लेते हैं मैं तो स्नैपचैट लवर क्या बहू को भेज देगा ना ना तो भाई इनका रेस्टोरेंट है ठीक है फ्रेंड है हमारे तो इसलिए ज्यादा खातिरदारी हो रही है नया खोला जी तो इन्होंने रेस्टोरेंट है कब खोला इन्होंने आज ही ओपनिंग है क्या अच्छा तभी खातिरदारी हो रही है स्माइल एंड स्लाइस के नाम से रेस्टोरेंट है खाना कैसे सही बताना मतलब फेक नहीं मैगी कैसी है मैगी अल्टीमेट चल अगर कौन से रोड पे पड़ता है भाई जी तू प्रॉपर बता ये आपका कुमारहट्टी वाले नैन रोड पे हां कुमारहट्टी से नैन रोड पे कुमारहट्टी से नैन रोड पे नान रोड पे अच्छा स्पेशली भाई मुझसे पूछ लेना किसी ने आना ना मतलब डिस्काउंट लेना मिल जाएगा बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है अपना बेस भी अपना बना रहे हैं इनके मतलब की जो जितनी भी वेजिटेबल्स पड़ी है ये सब आपकी खेती बाड़ी करी हुई वो वाली है ऑर्गेनिक है मतलब सही है यार क्वालिटी मतलब कि फ्रेश मिलेगा फ्रेश फूड है नो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी है यहां थोड़ी देर बाद मतलब क्या कह एक ट्रिप में तो एक भाई रूस ही जावा उसके सवाल ले रहे हैं धीरे-धीरे तुम्हारा दिल थोड़ा मजा क्या सारे जब कुछ पूरा ट्रिप खत्म हो गया उसके बाद थाने पंगे लेने ही हुए तुम लड़के हो और पहले तेरे मारो तो एक काम याद है पता क्या होता है पहले भाई तेरे मारो तो अब हमको हो जाता है ना पूरा ट्रिप बीत चुका है अब कभी पेशे निकाल ही जाए भाई कभी पेशे तो कोई नहीं भाई ये कहा तुमने मेरा बहुत जबरदस्त बोलना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे हम पी रहे हैं पता नहीं आइसक्रीम खा रहे हैं लास्ट में भी आते हुए और ये इसकी दुकान पता नहीं किसी दुकान में ये भी अपनी दुकान है ये भी अपनी दुकान है आइसक्रीम की थैंक यू जीतू फॉर इनवाइटिंग अस अंग्रेजी ज्यादा नहीं होगी निखिल एंड दिस गाय एंड दिस गाय भाई कैसा लगा तुम सबको बढ़िया लगा मज़ा आया कैसा टूर लगा आई एम श्योर सबको मज़ा आया भाई और ऐसा टूर एक महीने बनाते रहा करो मिलते रहा करो ठीक है धर्मशाला चलो सर्दी में धर्मशाला डन सो भाई इसकी यहाँ पे है शॉप ठीक है और शॉप भी है एसेसरी का काम है सब बढ़िया काम है तो यहाँ पे आ सकते हो आप और विजिट करना प्रॉपर सोलन रोड है शिमला रोड है एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा इसका एक्सेसरी है तेरे पास और क्या क्या है तूने बताई दिया हाँ मतलब गिफ्ट आइटम है इसके पास भाई इसकी खुद की शॉप है और आसपास होटल से दिलवाए देगा आपको अगर कुछ भी यार काम वाम हो ना बता देना इसको सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस काइंड ऑफ ब्लॉग्स एंड प्लीज गिव अस लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर सपोर्ट तेरा लाइक का है भाई थैंक यू आ जाओ पेपर मार्टी ठीक है भाई ये भाई तुम भी ओके टेक केयर ओके।